नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में सलवार की मोहरी में डिजाइन बनाना सीखेंगे आसान तरीके से। अगर मोहरी जो है चौड़ी वगैरह होती है तो उसमें भरी हुई डिजाइन अगर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है और सुंदर लगती है। तो कोशिश की है, इस जो पटियाला सलवार है मेरी उसमें मैंने एक अच्छी सी मोहरी डिजाइन की है। तो मैंने जो बुकरम लिया है, बुकरम मैंने करीबन जो है ये 3.5 इंची चौड़ी मैंने बुकरम ली है, और इसकी जो लंबाई है जो मेरी सलवार का पोंचा है जो नीचे की मोहरी है उसी के बराबर मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कटिंग किया है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, इसमें मैं एक मोहरी आपको बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इस तरह से अपने को इसके ऊपर सेट करना है इस मोहरी को, बराबर से सिलाई लगानी है, एक सिलाई तो ये हो गई और एक सिलाई यहाँ पर वो लगा लेते हैं, तो ये मोहरी जो है अपनी फिक्स हो जाएगी। ये तो हो गई है, और इसमें काटना ही इतना ही दबाव छोड़ के, जितना अपन सलवार में दबाव दबाएंगे उसी के अनुसार अपने को दबाव लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप एक्स्ट्रा दबाव न काट के इसी में भी कटिंग करते हो तो ये पट्टी इसी में लगा सकते हो। फिलहाल हमारी जो सलवार होती है उसमें हमेशा मैं अलग से पट्टी ही लगाता हूँ, तो ये सीधा है। इस पटियाला सलवार में मैंने कलियाँ वगैरह सब अच्छे से पहले से जोड़ रखा है, सिर्फ मोरी मोरी है। तो यहाँ पर जो दबाव अपन ने लिया है 1/2 इंच का छोड़ रखा है, इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने का तरीका यही है कि जो बुकरम है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, जस्ट पास में सिलाई आनी चाहिए। तो ये जस्ट पास में सिलाई लगाकर ये सिलाई लग गई, ठीक है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और एक नोक की सिलाई यहाँ पर लगा लेते हैं पहले सबसे, तो ये एकदम फिक्स हो जाएगी अपनी। एक तो नोक की सिलाई यहां पर लगा लेते हैं, एक सिलाई तो ये हो गई अपनी, ठीक है। और साथ में इसकी जो दूसरी सिलाई है यहां से पैक कर लेते हैं इसको ऊपर से, यहाँ से इसे बिल्कुल इस तरह से रखना है, कपड़े को अच्छे से खींच के रखना है, और नीचे वाले पीस का ध्यान रखें कि कपड़े में सलवट वगैरह कुछ भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सीधा आना चाहिए इस तरह से। आप चाहें तो थोड़ी सी बुकरम और बड़ी काट सकते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये अंदर की तरफ चिपक गई है। अब इसमें डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगाता हूँ, एक बूट भर की जो मशीन का ये फुट है उसके बराबर सिलाई लगाता हूँ। एक सिलाई तो ये हो गई, और ऐसे ही करके इस साइड भी एक सिलाई ऐसे ही लगा देता हूँ बूट भर की। ये दो सिलाई हो गई, एक एक सिलाई और लगा देता हूँ इतनी ही दूरी पे, थोड़ी सी पास में इधर भी और इधर भी। क्या है कि मोरी अपनी काफ़ी लंबी चौड़ी है इसलिए इसमें भरने के लिए थोड़ी अलग डिजाइन बनानी पड़ेगी। ये भी हो गई, और एक सिलाई यहाँ से, ये तो हो गई अपनी, 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ सिलाई। अब इसमें करना क्या है, आपको जो मशीन का चाल है, जो मशीन तेज जो बखिया होता है ये, उसको कम करना है, चाल थोड़ी कम करनी है, और ये जो सिलाई हैं इनके ऊपर तो बारीक बारीक जो है अपने को इस तरह से लहरा के भर देना है इसको। जितना बारीक बखिया रखेंगे तो ये जो लहर बनेगी वो ऑटोमेटिकली अच्छे से बनेगी, बड़ी चाल रखेंगे मशीन की तो ये लहर बनेगी नहीं। तो ये दो ऊपर दो और दो नीचे, इनमें तो बना लेते हैं ये वाला इस तरह से, और ऐसे ही करके ऊपर वाली बना लेते हैं।
इस तरह से पकड़ के रखें कपड़े का, हाथ का पकड़ने का तरीका और इसे घुमाने का तरीका। मशीन आपकी स्पीड से चलनी चाहिए और स्पीड में चले उसी के अनुसार आपका हाथ भी हिलना चाहिए, तभी ये चीज़ बिल्कुल फिनिशिंग से आएगी। इससे भी बारीक बारीक आप लहरा सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो हो गई आपकी दो लहर इधर और दो लहर इधर, अब बीच का रह गया अपना। अब बीच में स्टार्ट करेंगे इसमें एक बेहतरीन डिजाइन बनाने की। ये तो नॉर्मली है, हर कोई बना लेता है। यहाँ से इसमें अब बड़ी लहर बनाएंगे एक राउंड शेप में। आप चाहे तो चौक से पहले मार्किंग कर ले इस तरह से, तो पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से घुमा के लेके गया और इसको यहाँ से घुमा के इस तरह से घुमाकर यहाँ ले आए। दोनों जो मोहरी हैं सलवार की एक साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिलहाल मैं आपको एक ही बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको ये तो यहाँ से आ गई, दूसरी वाली इस राउंड शेप को मिलाकर एक जो गोल शेप बनेगा उस तरह से अपने को चलाना है। इस तरह से ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह से अपना एक गोल शेप बन गया, ठीक है। अब इनके बीच में एक शेप और चलाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनके बीचों बीच एक शेप चलाएंगे ऐसा ही राउंड शेप। ये भी हो गया, ठीक है। एक नई डिजाइन क्रिएट हो रही है, तो ये भी हो गया। अब इसके बीच में इस साइड से चलाएंगे ऐसे ही करके, जो बीच वाली है उसी में ऐसा ही शेप घुमाएंगे इसमें। ये भी हो गया, तो इस तरह से अपनी जो है डिजाइन एक अलग से लुक दे रही है। इसमें भी और थोड़ा अलग से भरते हैं। अब यहाँ पर इसमें देखिए ये डिजाइन बनने के बाद में इसमें और अलग से भरते हैं इसमें। तो ये जो है इनके बीच में से सिलाई लगाएंगे, जो पहले वाली है इसके बीच में से लाएंगे एक सिलाई। यहाँ से देखिए थोड़ी और लुक अच्छा आ जाएगा। ये यहाँ से लेके और ये यहाँ से लेके और ये यहाँ से लेके ये यहाँ घुमा देंगे। जैसे शेप पहले दिया था वैसे ही अब देना है और अच्छे से घुमाना है। अब इसमें देख ले कि कौन सी जगह खाली है। ये वाली अपनी जगह खाली है, इस तरह से आएगी। ये वाली जगह अपनी खाली है, यहाँ से लेके इस तरह से आएगी। तो इसको यहाँ से चला लेते हैं। जैसे यहाँ से लेके इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपनी जो मोरी है बिल्कुल से फुल भर रही है, एक अच्छे से मोरी फुल भर के आ रही है अपनी, एक नई डिजाइन अपनी बन गई है। तो ऐसे अपनी जो मोरी भी आप बना सकते हैं एकदम लहरदार राउंड राउंड करके, और एक बेहतरीन सलवार बना सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी सलवार की मोरी। अब इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं। इस तरह से अपनी एक मोरी तो है, डिजाइन बन गई है। इसे और आकर्षित करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए आप जो डायगनल बटन आते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट के मैच के हिसाब से, जो बी सेंटर होगा यहाँ पर, आप इन्हें बराबर बराबर में अटैच कर सकते हैं, या कोई और फैंसी बटन आप ले सकते हैं और उन्हें सलवार के दोनों जो मोरी हैं उनके दोनों साइड में जो बी सेंटर है वहाँ पर आप इन्हें इस तरह से अटैच कर सकते हैं और एक अलग लुक दे सकते हैं। तो ये डायबल बटन आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, बनवा भी सकते हो आप अलग अलग कलर के, या फैंसी बटन भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से एक सलवार की डिजाइन तैयार हो सकता है। आप चाहें तो इसकी जो साइड करके, यहाँ वाली जो साइड करके, यहाँ पर भी आप दो चार बटन लगा सकते हैं, अंदर की साइड भी लगा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।